दोस्तों आज इस पर बात करेंगे इंस्टाग्राम में जो एक्टिव यूज़र होते हैं अभी जो लाइव हैं उन्हें कैसे देख सकते हैं और ये इंस्टाग्राम में एक नया अपडेट है और इस अपडेट के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इंस्टाग्राम में जो एक्टिव यूज़र होते हैं लाइव होते हैं उनके प्रोफाइल में ग्रीन डॉट दिखाई देता है और मेरे इंस्टाग्राम में भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे पता है ऐसा क्यों है। इंस्टाग्राम में एक सेटिंग है और उस सेटिंग को आपने कर रखा होगा जिस वजह से इंस्टाग्राम में एक्टिव स्टेटस ग्रीन डॉट दिखाई नहीं देता है। और एक बात बता दूं, अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने एक्टिव स्टेटस को हाइड करके रखा होगा दूसरों के भी एक्टिव स्टेटस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो हाइड हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो वो सेटिंग क्या है जिसे करके दूसरों के एक्टिव स्टेटस ग्रीन डॉट आपको दिखाई दे तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर भी करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्या, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए इंस्टाग्राम ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों आज इस पर बताऊंगा इंस्टाग्राम में जो एक्टिव यूज़र होते हैं अभी जो लाइव हैं उन्हें कैसे देख सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं है सबसे पहले अपडेट कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम में भी एक्टिव स्टेटस ग्रीन डॉट दिखाई नहीं देता है। और यहां पर ओपन करके भी दिखा देता हूं, मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए एक्टिव स्टेटस ग्रीन डॉट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से बैक करना है। और ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकती हो। इंस्टाग्राम रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर मुझे मैसेज कर सकती हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके मैसेजेस का मैं रिप्लाई करूँ। यहाँ पर क्या करना है, प्रोफाइल ओपन करना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद ये ऊपर की थ्री लाइन है और यहाँ पर क्लिक कीजिए, नीचे देखिए ऑप्शन है सेटिंग, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्राइवेसी और ये प्राइवेसी रिलेटेड है, तो यहाँ से प्राइवेसी सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आइए और नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी स्टेटस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए शो एक्टिविटी स्टेटस, देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग मेरा बंद है जिस वजह से यहाँ पर मुझे ऑनलाइन स्टेटस ग्रीन डॉट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से ये सेटिंग ऑन करना है। ठीक है, ये दोनों सेटिंग ऑन कर दीजिए। ये सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम देखिए मैं क्लोज करता हूँ, बैकग्राउंड से हटा दिया है। अभी यहाँ पर फिर से इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन किया, मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर देखिए ऑनलाइन स्टेटस देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, एक्टिव स्टेटस देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव नाउ और यहाँ पर देखिए ग्रीन डॉट भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये छोटा सा सेटिंग करके एक्टिव स्टेटस और ग्रीन डॉट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने प्रोफाइल में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपने एक्टिव स्टेटस को हाइड करते हो दूसरों का भी स्टेटस आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये मेक श्योर करना आप दिखाना चाहते हो या फिर दिखाना नहीं चाहते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये ऑनलाइन स्टेटस एक्टिविटी स्टेटस या फिर ग्रीन डॉट कह सकते हो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए मैसेज के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आएगा, यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।